गुड मॉर्निंग। यहाँ पे क्या है, सर्दियों में बहुत सारे लोग दूध, हल्दी और दालचीनी का मिक्सअप बना के पीते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आई थी, तो उसके रिगार्डिंग मेरा एक जवाब है। है क्या चीज़, जब हम दूध, हल्दी और सिनेमन का मिक्सअप करते हैं तो उसमें क्या है कि सिनेमन जो है ब्लड शुगर को लेवल को लो करती है, चाहे वो डायबिटीज़ के अंदर हो चाहे नॉर्मल पर्सन के अंदर हो। मिल्क की प्रॉपर्टी पूरी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, और टर्मरिक ब्लड थिनर का काम करती है। तो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिनको दूध, हल्दी और सिनेमन का मिक्सअप नहीं पीना चाहिए? पहले तो नॉर्मली जिनको दूध से एलर्जी है, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स है, वो दूध हल्दी मिला के भी नहीं सेवन करें, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जिनको मितली आती है, जो कि उल्टी होती है, कई बार पेट से स्टोमक में क्रिएट होता है, जिनको इन्फेक्शन है, तो वो भी ना पिए। दूसरी तरफ से आते हैं जिनको लीवर की समस्या रहती है, ज्वाइंटिस अक्सर बनती है, वो लोग भी दूध, हल्दी और सिनेमन के मिक्सअप का इस्तेमाल ना करें। कई लोग इसको सर्दी एक टॉनिक है, मगर उसके कई सारे नुकसान उठाने पड़ जाते हैं बाद में। और प्रेग्नेंट लेडीज़ जो है, जिनको प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, वो लोग भी दूध, हल्दी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं बच्चे का रंग गोरा होगा, इस टाइप से वो पीना शुरू कर देते हैं और बाद में उनको उसके नुकसान उठाने पड़ते हैं, क्योंकि ब्लड थिन होने की वजह से बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ और जो है डिफॉर्मिटीज़ क्रिएट हो सकती है, फेटल सिचुएशन भी हो सकती है बहुत से लोगों में जो सेंसिटिव होते हैं। और जो लोग बच्चों को दूध पिलाती हैं, महिलाएं या माताएं, वो भी दूध, हल्दी का मिक्सअप ना इस्तेमाल करें अपने लिए। दूसरी तरफ जो सर्जरी का प्लान कर रहे हैं, किसी भी तरह की सर्जरी हो बॉडी की, तो वो भी दूध, हल्दी का मिक्सअप ना पिए। और कुछ ऐसे केसेस जिनमें अरिदमियाँ होती है, जो कि हार्ट से रिलेटेड अदर बीमारी होती हैं या किसी बीमारी से संग्रहित हैं, और अदर जैसे थायराइड का केस हो गया, शुगर का केस हो गया, तो इनको तो पूरी तरह से मना है। थायराइड भी बहुत से लोग पी लेते हैं, बहुत कम रेयरली देखने को मिलता है, मगर फिर भी परहेज करना चाहिए, ताकि आपकी हेल्थ में कोई और कंट्राइंडिकेशंस ना बने और आप स्वस्थ रह सकें।